जी भाषा नहीं कोई तो हिंदी जानते होंगे, तो जो हिंदी जानते हैं वो भाषा भाषांतर कर देंगे। हाँ अपनी भाषा में बोलो। नारायणी नशा का मतलब है दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंचा पद किसका है? नारायण का। तो जिसकी ऊंची कुर्सी होती है उसको ज्यादा नशा होता है, या जिसकी नीची कुर्सी होती है उसको ज्यादा नशा होता है? तो इसलिए कौन सा नशा है? नारायणी नशा गाया हुआ है। नारायण से ज्यादा ऊंचा पद तो किसी का होता ही नहीं, तो नशा भी नारायण से ज्यादा किसी को उतना चढ़ता नहीं होगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे नारायणी नशे में रहो। कैसा नशा? नारायणी नशा। नारायण का सबसे ज्यादा नशा किसको चढ़ता होगा? जो नारायण का नशा है वो सबसे ज्यादा किसको चढ़ता होगा? प्रजावर्ग में बैठने वाली आत्माओं को चढ़ता होगा, प्रजावर्ग में रहने वाले बड़े बड़े साहूकारों को चढ़ता होगा, प्रजावर्ग के चांडाल को नशा चढ़ता होगा, सेनापति को चढ़ता होगा, महामंत्री को चढ़ता होगा, और जो पद वाले होते हैं नंबरवार उनको चढ़ता होगा, या महाराजा नारायण के साथ बैठने वाली महारानी को चढ़ता होगा। सबसे ज्यादा नारायण का नशा किसको चढ़ता होगा? महारानी को चढ़ता होगा। तो नाम गाया हुआ नारायणी नशा। किसका नशा? नारायणी नशा। क्योंकि नारायणी को नारायण का नशा सबसे ज्यादा किसका है? ये नारायण किसका है? मेरा है। मैं पास में बैठती हूँ, जितना मैं नजदीक हूँ उतना तो कोई भी नजदीक दुनिया में है ही नहीं। और एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों में जितना नारायणी नारायण के नजदीक है उतना नजदीक कोई भी होता ही नहीं। इसलिए नारायण का नशा और नारायणी का नशा गाया हुआ है। एक बाप को याद करना, चक्कर को भी याद करना का कोई बोलना वाणी में, चक्कर में गलती भी है ना? चक्कर में गलती है, द्वापर कलयुग है ना, वो भी याद करना क्या? चक्कर में गलती है और चक्कर में सुधार नहीं है। फिर 5000 का रील अंदर आ जा रहा है ना? 5000 वर्ष की जो रील है उसमें सुधार भी है और बिगाड़ भी है। गलती भी होती है तो गलती का सुधार भी होता है। वो गलती तत्काल नहीं होता। कट करेगा कौन? आत्मा ना। आत्मा अविनाशी है कि विनाशी है? तो अविनाशी में पार्ट कैसा होगा? तो फिर ड्रामा भी अविनाशी है। और बाबा आज की मुरली में अनेकों मुरली अलग अलग मिलती है, अलग अलग मुरली मिलती है, अनेकों को अनेकों क्या कहना चाहते हैं? अनेकों से मुरली मिलती है। आप अपनी भाषा में बोल दीजिए। तमिल मुरली में क्या क्या अलग अलग करते हैं ना? एक ही तरफ सब मुरली नहीं मिलती है, मुरली का व्याख्या अलग अलग करते हैं।
मुरली का एक ही तरफ ने अलग अलग नहीं किया था, मुरली का सार वो एक ही तरफ है क्या ना, अलग अलग नहीं करते। माने मुरली की व्याख्या अलग अलग तरीके से मिलती है, मुरली का एक्सप्लेनेशन अलग अलग प्रकार से मिलता है, अच्छी बात है। सच्चाई एक होती है, माने सत्य एक है, लेकिन एक ही सत्य की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। एको सत्यम बहुधा वदंती ऐसे बोलते हैं ना, जो सच्चाई है वो एक प्रकार से नहीं बोली जा सकती है, अनेकों प्रकार से सच्चाई बोली जा सकती है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। 12 प्रकार से सच्चाइयों को उगला जाता है। ये दुनिया सत्य है या असत्य है? मिथ्या दुनिया है या सत्य है? दुनिया माने ड्रामा, ड्रामा सत्य है या असत्य है? सत्य है, है? दो भी, दो भी कैसे है, है? जो असत है वो रहता है हमेशा, असत हमेशा रहता है, और सत्य सत्य तो हमेशा रहता है, इसलिए सत्य ही है। अगर हम सत्य हैं तो दुनिया भी सत्य है। अगर हम नारायण जैसे स्वभाव संस्कार के अभी बन जाएंगे तो हमारे कनेक्शन में कोई भी असत्य नहीं आवेगा, तो हमारी दुनिया कैसी हो गई? सत्य हो गई। सारा मदार हमारे ऊपर है। और कर्मातीत अवस्था का, कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म भी करते रहें, लेकिन कर्म करते करते मन बुद्धि जो है वो कर्म से अतीत हो जाए, माने कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। जैसे गीता में बोला है कि आत्मनिष्ठ प्राणी सारे संसार की हत्या कर दे तो वे उसको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो कौन सी निष्ठा हुई, कैसा कर्म हुआ? उनका कर्म अकर्म बन गया, कर्मातीत स्टेज हो गई। सारी दुनिया का विनाश किसके सिर पर मढ़ा गया है? कौन करता है सारी दुनिया का विनाश? ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर, शंकर के ऊपर डाल दिया गया, क्या करता है? सारी दुनिया का विनाश करता है। फिर कहते हैं हर हर बम बम, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा ब्रह्मा बम बम, विष्णु विष्णु बम बम, या कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से नाम लेकर के नहीं कहेंगे बम बम, इसके नाम के साथ है। हर माने पापों का हरण करने वाला, इस झूठी दुनिया का हरण करने वाला कौन? शंकर। तो जो शंकर है उसके नाम के साथ बम लगा हुआ है, माने वो बम बनाने वालों की बुद्धि को ऐसा फिरावेगा कि अभी बना के तो रखे हुए हैं लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत नहीं है, वो उनके अंदर हमने हिम्मत भर देगा, चलाओ फोड़ो। तो ये एटमिक विस्फोट करने का, कराने का सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? शंकर की हो गई। लेकिन उसके ऊपर पाप क्यों नहीं लगता? आत्मिक स्थिति ऐसी स्टेज है कि जिस स्टेज में किया हुआ कर्म कोई पाप बनने नहीं देता, ये खासियत है। यही बात बताई, मनसा की स्टेज ऐसी होनी चाहिए कर्म करते समय कि मन उसमें लिम्पायमान न हो, कर्म में मन अटैचमेंट में न आए, कर्म में लगाव पैदा न हो। आंखें खुली हुई है, महबूब जा रहा है,
आंखें खुली हुई है, महबूबा को याद कर रहा है, जा रहे हैं नशे में। 10-15-20-25 आदमी सामने से निकल गए, उनसे पूछा गया तुमने रास्ते में किसको देखा, कौन कौन तुम्हारे रास्ते में आंखों के सामने आया? कि किसी को नहीं देखा। क्यों, किसको याद कर रहे थे? महबूबा को याद कर रहे थे। तो आंखें खुली होते हुए भी आंखों ने अपना कर्म ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि मन जो है वो दूसरी जगह अटैच है। तो मन आंख को अपना कर्म भुगतने नहीं देता। ऐसे ही इंद्रियों के लिए, अन्य के लिए भी बात लागू होती है। और जो इंद्रियां हैं, अगर हम बाप की याद में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे उसका कोई असर क्या असर नहीं होगा। इसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, परे, कर्म का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। 500 शासक और आत्मा का और आदि में नंबर 1 फर्स्ट क्लास रचना प्रजापिता का तो वाणी में बोला बाप। फर्स्ट क्लास रचना प्रजापिता नहीं है, प्रजापिता तो 500 करोड़ का 700 करोड़ का बाप है। आदि तो आदि में भी प्रजापिता कहा ही तब जाता है जब सारी प्रजा मौजूद हो। नहीं, प्रजापिता का माँ कौन है, बाप कौन है? वो बापों का बाप है, इसलिए बेहद का बाप है। बाप है लेकिन उसकी आत्मा का बाप है। प्रजापिता की आत्मा का बाप है शिव बाप। शिव बाप का कोई बाप नहीं, शरीरधारी कोई बाप नहीं। रावण है ना, 500 का शरण है ना, वो राम खुद ही रावण बनता है। राम कैसे राम है? राम ही अंत में रावण बनता है। रावण वो बनता है जो सबसे जास्ती दुख देता है, जो महाकामी, महाक्रोधी, महालोभी, महाअहंकारी, उसको कहते हैं रावण, जो सारी दुनिया को रुलाई देता है, उसको कहते हैं रावण। रावयते लोकान, सारे संसार को रुलाई देता है। 5 विकार अलग अलग, 5 तत्व। विकार अपने में कुछ नहीं है, चैतन्य है रुलाने और हंसाने वाला, या जड़ है रुलाने हंसाने वाला? चैतन्य में भी, चैतन्य ही हंसाने और रुलाने वाला है। तो कोई आत्मा है जो दुनिया की सबसे जास्ती रुलाने वाली भी है और सबसे जास्ती हंसाने वाली भी है। हमें वाणी में बोला ना, आदम हवा करके है, आदम हुआ प्रजापिता पहले रचना है, हवा है ना, ये वो किसका रचना है? वो रचना नहीं है। अगर वो रचना है तो उसका रचयिता कौन? धरणी तो स्वयं रचना है। वो बाप का रचना है धरणी, धरणी का रचना रचना ये ब्रह्मा। धरणी जो है वो स्वयं रचना है, जो प्रकृति है, धरणी माने प्रकृति, जो प्रकृति है वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य भी है, जड़ बाद में है, पहले पहले चैतन्य है। पहले चैतन्य पृथ्वी में सुधार होगा या पहले जड़ पृथ्वी में सुधार होगा? चैतन्य में पहले सुधार होगा। तो जो चैतन्य रचना है उसको रचने वाला कौन है पृथ्वी को? पृथ्वी जो है वो कोई दूसरी चीज नहीं है, जगदम्बा ही पृथ्वी है। जगत की अम्बा जो है वो ही पृथ्वी है। सारे जगत की माँ कौन है? पृथ्वी। वो पृथ्वी जो चैतन्य है वो सारे जगत की माँ है। लेकिन जो सारे जगत की माँ है जगदम्बा, उस जगदम्बा का रचयिता ब्रह्मा है या नहीं है? है। ब्रह्मा रचयिता। और ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा माने ये माना नहीं, हवा। ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा नाटक में ब्रह्मा का बाप है प्रजापिता। बस
मैं बाहर का बात पूछ रहा हूँ। बाहर का क्यों, अंदर की बात पूछ रहा हूँ। ब्राह्मण संहिता क्या क्या? बाहर की बात है ही नहीं, इस दुनिया से बाहर की कोई बात ही नहीं होती। राम कैसा आया? राम आया नहीं, राम तो अनादि है। आदि नहीं था? तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य निदानम। तुम आदि देव हो, तुमसे आदि कोई है ही नहीं। बाबा वाणी में बोला मैडम यू यू मैंने जीवल, वो वाणी में बोल के बोला तो ईवल मैंने, वो किसका रचना वो ईवल? ईवल इसीलिए है कि वो जड़ तुम्हारी है, जिसमें अकल नहीं होती है वो ईविल बनता है, खराब कर्म करता है। ये जिसमें अकल होती है वो ईविल बनता है। बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान होंगे या बुद्धू होंगे? हैं? बुद्धिमान तो बेअकली का काम नहीं करेंगे, बुद्धिहीनता का काम बुद्धिमान करेंगे। तो चैतन्य जो है वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान बाप का बच्चा है, वो ईविल काम नहीं करेगा। जब ईविल काम नहीं करेगा तो ईविल नहीं होगा। ईविल काम जो करता है कराता है वो ही ईविल है, इसलिए ईव नाम रखा गया है। ईव, और ईव को रचने वाला कौन है? ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा ना, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसका ये ओम राधे सरस्वती को किसने रचा? ओम राधे सरस्वती को रचने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है वो रचयिता है सरस्वती का, ओम राधे का, जगदम्बा का। और जगदम्बा जो है वो रचना हो गई प्रजापिता, उससे भी ऊपर है जिसने ब्रह्मा को रचा, उसको रचयिता वाला कोई नहीं, वो अनादि है। शिव आते हैं, जैसे शिव अनादि है, शिव आते हैं तो पहले पहले कौन है? पहले पहले शिव है, शिव का नेक्स्ट धरणी है, धरणी का नेक्स्ट प्रजापिता है, नहीं नेक्स्ट ब्रह्मा है। नहीं 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 नहीं, धरणी है भक्ति का फाउंडेशन डालने वाली, जो भक्ति का फाउंडेशन डालने वाला है वो अव्वल नंबर रखेंगे कि ज्ञान को अव्वल नंबर रखेंगे? ज्ञान को अव्वल नंबर रखेंगे। तो जो ज्ञान है वो आता है एक से, और भक्ति आती है अनेक से। तो भक्ति जो आती है उसको हम आदि नहीं रखेंगे, ज्ञान ही आदि है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान का सार, द्वापर कलयुग में है भक्ति का विस्तार, और संगम युग में है वैराग। प्रजापिता माने हो सकता है धरणी? प्रजापिता को रचने वाली धरणी नहीं है, प्रजापिता तो अनादि है। शिव जब आते हैं, आकर के शिव क्या करते हैं? भक्ति देते हैं कि ज्ञान देते हैं? भक्ति का फाउंडेशन पहले। बाप भक्ति का फाउंडेशन डालने आता है? बाप से भक्ति आती है? वेल, बाप से तो भक्ति आती नहीं, बाप जब आता है तो ज्ञान का फाउंडेशन डालता है। तो बाप अपनी बन्नी किसको बनाता है? ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए, ज्ञान का बीज डालने के लिए बन्नी कौन है? प्रजापिता बन्नी हो गई। तो उसका नाम, शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव के साथ शंकर है, बाकी कोई 33 करोड़ देवता शिव के साथ नहीं है। जैसे शिव अनादि है वैसे शंकर भी अनादि है, जैसे वो बेहद का बाप है वैसे वो भी बेहद का मनुष्यों का बाप है। पांच विकार का, पांच विकारों का बाप ब्रह्मा, देह अभिमान गदा, गदा। रावण के ऊपर किसका शीश दिखाया जाता है? गदा का। वो कहाँ से शुरू हुआ? वो कौन पांच विकार है? प्रजापिता का अंदर कैसा आया? वो
क्या शिव बनाने का टाइम है ऐसा बनाया क्या? अभी तो आप बता रहे हैं ये वो संघ के रंग से एक सुप्रीम सोल के अलावा सब प्रभावित होते हैं। एक सुप्रीम सोल है जो संघ के रंग से प्रभावित नहीं होता, बाकी प्रजापिता भी प्रभावित होता है या नहीं? बोला ना, वो भी होता है। जब सीता है घर को बोला वाणी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पांच विकार प्रजापिता का अंदर पहले 500-700 करोड़ जनरेशन का पहले पत्ता है प्रजापिता। पत्ता नहीं, पत्ता नहीं, वो पहले फर्स्ट क्लास रचना है। रचना नहीं, टीम में नंबर वन है। रचना नहीं, रचयिता है। रचयिता, रचयिता शिव को भी रचयिता नहीं कहेंगे, रचयिता साकार में चाहिए। वो प्रजापिता का अंदर ये पांच विकार कैसा है? नहीं है, प्रजापिता जो है वो शिव उसमें पहले प्रवेश करता है। जिस हाँ जिस समय प्रवेश करता है उस समय सात्विक स्टेज है, फिर जब औरों के कनेक्शन में आता है, संघ के रंग में आता है, तब सतो रजो सतो सहोदय ये तामस चार अवस्थाएं गिरती है। स्टार्टिंग में एक ही सत्य था प्रजापिता, स्टार्टिंग में एक ही सत्य, वो नेक्स्ट जनरेशन है। बाद में जब संघ का रंग बढ़ता जाता है तब बहुधा बढ़ता है। बच्चों का संघ का रंग में बाप कैसा आएगा? प्रजापिता बाप प्रजापिता वो थोड़ा ही है जो संघ के रंग में ना आने वाला है, वो सुप्रीम सोल है जो संघ के रंग में नहीं आता है। प्रजापिता प्रजापिता तो सुप्रीम, वो राम वाली आत्मा तो संघ के रंग में आती है। आती है अच्छा, कृष्ण वाली आत्मा भी आती है। वो प्रजापिता का पहले जोड़ी कौन है? यू बोला नहीं, अव्वा बोला, पहली जोड़ी है शिव और शंकर। भूल गए अभी अभी बोला, अभी भूल गए। ज्ञान का बात, ज्ञान या अज्ञान की बात क्यों करना? अज्ञान हुआ ना, द्वापर कलयुग ना, पांच द्वापर कलयुग में हम बीच में क्यों कूद पड़े हैं? हम आदि से ही पकड़े ना, बीच में क्यों आ जाए? वो पांच विकार कैसा प्रजापिता का अंदर है? संघ के रंग से ही आते हैं, ये शूटिंग पीरियड ऐसा है ना जिसमें चार अवस्थाएं होती हैं संघ के रंग से। बच्चों का अंदर ऑटोमेटिक आता है। षष्ठी का आदि हुआ, शिव ने प्रवेश किया, जैसे ही शिव ने प्रवेश किया वो सात्विक है, फिर हर समय थोड़ी सवारी होती है, हर समय होती है सवारी क्या? फिर बच्चों का संघ का रंग लगता जाता है, जैसे जैसे संघ का रंग लगता जाता है अवस्थाएं चार बदलती जाती है। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, 40 वर्ष पूरे हुए, सतो प्रधानता की देवता वर्ण की शूटिंग पूरी हुई, फिर 76 में सतो प्रधान, त्रेता युगी राम वाली आत्मा वाली शूटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही द्वापर युग में, ऐसे ही कलयुग में, तो चार युगों में चार अवस्था, चार अवतार उन्होंने शास्त्रों में लिख दिए, संभवामी युग योगी। इस तरह अवस्था प्रजापिता की भी गिरती है। वो क्या कि भक्ति मार्ग में कुरान में बहुत आना, क्या कि पल क्या विद्या भाग है? आप बोला था हाँ। प्रजापिता को ये हाँ। पल नहीं खाना हाँ। मेरे को तो संघ के रंग में आने से भूल गया ना, मेरा याद नहीं छोड़ना, यहाँ से भाग नहीं जाना, वो पल नहीं खाना कर दो बोला कर। तो संघ के रंग में आ गया ना, क्यों क्यों का सवाल ही नहीं। आत्मा आत्माएं जो है वो अटैचमेंट में आती है, और सुप्रीम सोल सुप्रीम सोल अटैचमेंट में नहीं आता। तो प्रजापिता प्रजापिता भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, चिंता है, लेकिन लेकिन आत्माओं का बाप है वो सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, और मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। अच्छा, आप प्रजापिता जो मनन चिंतन करने वाले हैं, उन मनन चिंतन करने वालों में कहते हैं ना तुम्हारा बाप आया हुआ है, माने मनन चिंतन करने वालों में अगर कोई बड़ा है तो कौन है? प्रजापिता। विकार को भी पहले प्रजापिता, वो विकारी भी पहले बनता है, वो निर्विकारी भी, वो पतिति भी वो ही बनाता है, वो पावन भी वो ही बनाता है, पार्ट है अपना अपना। अकर्म अकर्म क्या? अकर्म अकर्म विकर्म
और सुकर्म। आ कर्म माने जो कर्म किया और याद में किया, शिव की याद में किया, शिव बाबा की याद में किया, तो कर्म का असर नहीं पड़ता। जब कर्म का असर ही नहीं पड़ेगा, शिव बाबा की याद में कर्म किया, तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर वही बात मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई बात थोड़ी होगी। जो चीज मुश्किल है वो सहज नहीं हो सकती, प्रैक्टिस करते करते सहज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सहज हो जाएगा, हो सकती। अब जो करेगा सो पाएगा। बहुत देखो, बार बार ब्राह्मणों के मुख से बोलने से वैसा ही हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही हो जाएगा। और बाप आया हुआ है मुश्किल को सहज करने वाला, तो सहज हो जाएगा। बाबा, हाँ, 700 करोड़ रुद्रमाला करते थे, 500 करोड़, 700 करोड़, 500-700 करोड़, हाँ, रुद्रमाला है। रुद्रमाला क्या? हाँ हाँ, माने आत्माएं हैं, आत्माएं जो हैं, जो प्रवेश करने वाली हैं, मुख लेती है, उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। जैसे रुद्राक्ष के मणके होते हैं, मुख बने होते हैं, तो ये भी मुख धारण करती है, इसलिए रुद्राक्ष हैं। और तो पॉइजन को खेल लिया पॉइजन को, तो 5 लीटर का पॉइजन को क्यों लिया, कहीं को ले लिया? क्या लिया? 5 लीटर का पॉइजन, विष। हाँ, किसने लिया? प्रजापिता क्यों लिया? प्रजापिता थोड़ा ही लिया, प्रजापिता ने नहीं लिया, शिव बाबा ने लिया आदि में एडम। हाँ, शिव बाबा ने लिया, अभी भी शिव बाबा लेता है, प्रजापिता में ताकत ही नहीं है। ताकतवर पिएगा विष, हजम करेगा कि निर्बल विष हजम करेगा? अभी यह के दो बाप हैं, लेकिन एक है आत्माओं का बाप और एक है शरीर का बाप। एक को असर होता है और एक को असर, वो शरीर का बाप ये विष को क्यों लिया? वो तो निर्विष लेता है भगवान के आने पर, वो विष नहीं लेता है। कृष्ण वाली आत्मा विष लेती है। जो जो अज्ञानी है वो विष लेगा कि ज्ञानी विष लेगा? अज्ञानी विष लेगा। तो गीता का भगवान किस कौन समझता है? वो ड्रामा में शिव शंकर भोलेनाथ, ड्रामा का अंदर। गीता का भगवान किसकी बुद्धि में बैठा है और किसकी बुद्धि में नहीं बैठा है? वो ब्रह्मा का बुद्धि में नहीं बैठा, नहीं बैठा। तो वो विष लेता है क्योंकि वो अपने को भगवान समझता है। शिवो अहम, जो भगवान समझेगा वो कहेगा तू भी मेरे संग में आ, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं भगवान हूँ, तू भी मेरे संग के रंग में आ जा, तू मेरे को कुछ नहीं होने वाला, तू भी मेरे संग में आ जा, सबको संग के रंग में लेकर के खुद पतित बनेगा। अभी भी नहीं बोल रहा, इधर बाबा है, ज्ञान चल रहा, एडवांस है, क्यों नहीं बोल रहा? वो क्यों बोले? उसको क्या मिलता है? वो बोले ब्रह्मा को, ब्रह्मा क्यों बोले? ब्रह्मा क्यों नहीं बोल रहा? उसका काम बन रहा है, क्यों बोले? वाणी में बोलना ना बच्चों को, हाँ, बाप है उधर जाकर सुनो करो। वो बोल रहे ना, तुम पढ़ते ही नहीं हो अव्यक्त वाणी, ध्यान से लाओ अव्यक्त वाणी, उठाओ, हम 20 पॉइंट ऐसे बताए जिसमें बोल रहा है वो। बेसिक में बोल रहा क्या? हाँ, बेसिक में क्यों, एडवांस वाणी में बोल रहा है, बेसिक में भी बोल रहा है, 20 मुरलियाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, जो देवता है उनको इशारा काफी होता है, जो राक्षस होते हैं उनको इशारा समझ में ही नहीं आता। बैल है, बैल को ऐसी एक आरई होती है, तब समझेगा, तो भी नहीं समझता अड़ियल बैल, कभी कभी बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है। क्यों? बाप का ज्ञान वो भी सुन रहा अंदर, माँ भी सुन रहा ना, वो बेसिक में बोल सकता ना, बाप है। ये बुद्धि का कमाल है, ये पत्ते की बुद्धि है, वो बीच की बुद्धि है। धीरे 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 घिसत 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 पत्थर भी घिस जाता है। 40 साल से 50 साल लगते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, तो पहला नंबर उसी आत्मा का है 40 साल पूरा होने पर। ड्रामा को भूल जाओगे क्या?
कंचन काया कब शुरू होगा? कंचन काया शरीर की होगी या कंचन काया आत्मा की होगी? आत्मा को काया होती भी है, कंचन काया शरीर की होगी। और शरीर जड़ है या चैतन्य है? जड़। आत्मा चैतन्य है, तो पहले आत्मा कंचन बनेगी या पहले काया कंचन बनेगी? आत्मा कंचन बनेगी। तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं, वो सब कंचन करके परम धाम में पहुंचे, कंचन बने, समझा? सब आत्माएं कंचन बने, फिर इस सृष्टि पर जो जड़ तत्व हैं, उनके योग बल से सतो प्रधान बने, तब कंचन काया बनेगी। बाकी उससे पहले क्या होगा? उससे पहले तुम्हारी आत्मा इतनी पावरफुल बन जाएगी कि शरीर भल सड़ता जावे, लेकिन आत्मा काम करेगी सड़े हुए शरीर से। नहीं समझाया है? हाँ, सात्विक शरीर, स्वस्थ शरीर वो काम नहीं करके दिखाएगा, जो सड़े हुए बीमार धीमार शरीर काम करके दिखाएंगे। संगम एक 2036 में खत्म हो रहा ना, 36 में खत्म हो रहा ना, उसका अंदर उसना 9 लाख रेडी होना, ठीक है, 4.5 लाख अब रेडी होना, 9 लाख उसमें प्रवेश करके ही तो रेडी होंगे ना, 4.5 लाख में, वो उनसे बाहर थोड़े ही चले जाएंगे, 4.5 लाख में, 4.5 लाख बुद्धि में प्रवेश करते हैं संगम में, और सतयुग में वो पेट में प्रवेश करेंगे। ये बुद्ध रूपी पेट है, ये स्थूल पेट है, सतयुग में वो आत्मा पेट में प्रवेश करेंगी, जन्म लेंगी, और संगम में वो आत्मा बुद्धि में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है। संगम में पॉपुलेशन 4.5 लाख है, पांडवों ने 12 वर्ष वनवास किया और 1 वर्ष अज्ञातवास किया, ठीक है, पूछना क्या है? पांडवों को 12 वर्ष वनवास हुआ और 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, फिर आगे क्या पूछना? एक साल कैसे पास करेंगे? पास करेंगे। वो पांडवों के अलावा और किसी को पता ही नहीं चलेगा, राजा विराट के अलावा और किसी को नहीं पता चलेगा, या तो राजा विराट को पता चलेगा, विराट के परिवार वालों को पता चलेगा, या तो 5 पांडवों को पता चलेगा, द्रौपदी को पता चलेगा, और किसी को 1 साल पता ही नहीं चलेगा। बेहद में बाबा दुनिया से गुप्त हो जाएंगे, क्या बच्चों से भी गुप्त हो जाएंगे? दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ रही है घट रही है? तो जब तमो प्रधानता बढ़ रही है तो बच्चों के अंदर तमो प्रधानता बढ़ेगी कि घटेगी? है, सतो प्रधान बाप के सतो प्रधान बच्चे थोड़े रह जाएंगे या बड़े ज्यादा होंगे? थोड़े। तो थोड़े से थोड़े ही गुप्त हो जाएंगे। जो तमो प्रधान बन जाएंगे, रावण के बच्चे बन जाएंगे, उनसे गुप्त हो जाएंगे। अभी भी बोला 2000 में अव्यक्तवाणी में बोला, दुनिया वाले समझते हैं कि बाप गुप्त हो गए, बाप दादा गुप्त हो गए, बाप दादा अभी भी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हैं, बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं, दुनिया के नजरों के सामने गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हैं। तो जैसे अभी बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हैं,
अभी संख्या ज्यादा है, आगे चल करके माया विकराल रूप धारण करेगी और ढेर के ढेर बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लेगी, ढेर के ढेर बच्चे माया रावण के बन जाएंगे। हैं? माया को क्या पकड़ लिया? मैं बाबा की पहले बनूंगी, तुमको थोड़ी बनने दूंगी। क्या मिलेगा सर? मैं मेरे को बाप मिलेगा, माया कहती है। मैं पहले सरेंडर होंगी, तुम कैसे सरेंडर हो जाओगे? माया पहले सरेंडर होती है बाप को। अच्छा हो जाओ तो सर्वशक्तिमान का टाइटल। बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे? तुम सर्वशक्ति, तुम क्यों बाप के बनते हो? मत बनो, आओ बच्चे मेरे गोद में आ जाओ। कौन कौन क्या कर रहे हो? तकलीफ दे रहा ना, बहुत तकलीफ आएगी। आओ ना माया की गोद में आ जाओ, आराम से रहो, क्यों तकलीफ लेते हो? माया का डायरेक्शन बरोबर नहीं ना? माया का डायरेक्शन बरोबर है। मैं तुमको बाप का नहीं बनने दूंगी, मैं बनूंगी पहले, मैं सरेंडर हो जाऊंगी पहले बाप को। उसमें क्या मिल रहा तेरे? मेरे को यही मिल रहा है कि मैं भी सर्वशक्तिमान का टाइटल लूंगी, तुमको नहीं मिलेगा, लेने दूंगी। तेरा नहीं, सब है बाप का। हाँ तुम कहते तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम कह रहे हो। जिसने लिया है वो ही जाने, जिसने गुड़ खाया है वो मिठास जानता है, जिसने गुड़ खाया ही नहीं वो मिठास को क्या जानेगा। माया जानती है कि सर्वशक्तिमान का टाइटल कितना ऊंचा होता है, वो टाइटल माया रावण को मिलता है, वो दूसरों को नहीं लेने देगी। कितनी बड़ी बात हो गई, बच्चों को ऊपर राज करना। राजा ही किसको अच्छी नहीं लगती? कोई है जिसको राजा ही अच्छी न लगे? सबको राजा ही अच्छी लगती है, पुरुषार्थ की बात है। माया ने पुरुषार्थ भी तो किया है। आपका बच्चों को राजा अच्छा लगती क्या? बाप से राजा बड़ा है क्या? बड़ा नहीं है तो फिर बाप बैठ जाता है परमधाम में, पीछे पीछे क्यों नहीं चले जाओ परमधाम में ही बैठो जाके, 5000 साल परमधाम में रहते हो बाप बाप के पास। ज्ञान आत्मा बन रहे हो, वो ऊंचा है क्या? राजा क्या ऊंचा है क्या? राजा आत्मा ऊंचा है। बाप की जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे बाप ऊंचा है वैसे बाप की प्रॉपर्टी भी ऊंचा। वो भी थोड़ा मोह लगा ना बाबा, सचित रहता है उधर, मोह उन आँखों से लगाना, उन चीजों से लगाना है जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। जो इन आँखों से दिखाई पड़ता है उससे मोह नहीं लगाना है। ये आँखों से दिखाई पड़ रहा है, इनसे मोह नहीं लगाना है, और जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है उससे मोह लगाना अच्छी बात है। अभी वाणी में बाबा क्या बोल रहे हैं? अच्छा प्रसाद करो, अच्छा प्रसाद ये एक में आओ, त्रेता एक में आओ, यही अच्छा प्रसाद में है द्वापर कलयुग, यही अच्छा पुरुषार्थ है कि आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है उससे नष्ट मोह, और जो आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है उससे मोह लगाओ। बुद्धि का अंदर आ गया ना, आ गया ना तो मोह लगाया। जो आंखों से, जो आंखों से आत्मा, आत्मा बिंदी 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 आत्मा, ये आंखों से दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई, इससे मोह लग गया। 24 घंटे बोलती देखने में आ रही है नहीं आ रही, विश्व की बादशाही इन आंखों से देखने में आती है नहीं, उससे मोह लगाओ। सुप्रीम सोल बाप आंखों से देखने में नहीं आता है, प्रजापिता इन आंखों से देखने में नहीं आता है। इन आंखों से कोई प्रजापिता को पहचानेगा? पहचान लेगा? नहीं पहचानेगा। तो जो इन आंखों से देखने में आता है उससे नष्ट मोह, और जो आंखों से नहीं देखने में आता है उसमें मोह बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, यही बाप सिखाते हैं। बाप की पढ़ाई इस बात की है, कहां मोह लगाना है और कहां मोह छोड़ना है। राम रावण कृष्ण राम, राजा का बच्चा और गरीब का बच्चा, एक राजा का बच्चा है और एक गरीब का बच्चा है, दोनों कुसंग में आ जाएं, गंदे संग में आ जाएं, चोरों के लुटेरों के डकैतों के संसर्ग में आ जाएं, संपर्क में आ जाएं,
तो राजा का बच्चा ज्यादा गिरेगा या गरीब का बच्चा ज्यादा गिरेगा? तो ऐसे ही राजा भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं राम और कृष्ण। क्या और कृष्ण सतयुग के आदि से संग के रंग में आते जा रहे हैं, कलयुग के अंत तक नीचे गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। यज्ञ में आने के बाद भी ऐसे ही शूटिंग होती है। बाहर की दुनिया में जो शूटिंग होगी वही तो अंदर होगी, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। वो शूटिंग होती है संग के रंग में आकर के नीचे गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो सबसे जास्ती नीचे कौन गिरते हैं? कृष्ण कंस बन जाता है और राम रावण बन जाता है। क्यों क्यों बनता है? क्योंकि उनका काम उनका काम दूसरी आत्मा कर सकती है। वो जितनी पावरफुल आत्मा है इतना पावरफुल काम कोई और दूसरी आत्मा कर सकती है? नहीं कर सकती। राम वाली आत्मा जो विनाश करेगी वो दूसरी आत्मा विनाश का काम कर सकेंगी? इतनी बड़ी दुनिया का विनाश करना इस सब के बस की बात नहीं है। कोई आपसे कहे 50 लोगों का परिवार है, फैमिली है, सबको काट डालो, है ताकत? नहीं। यूपी में ऐसे हैं, एक आदमी को गुस्सा आ गया, नहीं 36 आदमियों का पूरा परिवार का परिवार एक रात में काट डाला, एक बच्चा भी नहीं छोड़ा। तो विनाश की भी दम चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन वो काट डाला, उससे उसका पाप बन गया। यहां तो विनाश करने वाला ऐसा विनाशकारी बनता है कि उसके ऊपर कोई पाप भी नहीं लगता, पूरा ही सेफ। ऐसे ही कंस, कंस कहा जाता है जो कन्याओं को कोसता है। अभी कम कन्याएं सरेंडर हो रही है कि ज्यादा सरेंडर हो रही है? अभी कम कन्याएं सरेंडर हो रही है, आगे चल करके जब प्रत्यक्षता होगी भगवान की तो ज्यादा कन्याएं सरेंडर होंगी कि कम होंगी? हजारों हजार की तादाद में कन्याएं सरेंडर होंगी, और बड़े बड़े आदमियों की सरेंडर होंगी, छोटे छोटे आदमियों की होंगी, बड़ों बड़ों की भी कन्याएं सरेंडर होने लग पड़ेंगी। उन सबको संग का रंग लगा देगा। कौन कौन लगाएगा? कृष्ण की सोल, क्योंकि वो अपन को भगवान समझती है। मैं गीता का भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही साकार भगवान हूं। मेरे संग के रंग से ये पति से पावन बनेंगे। तो कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है, लेकिन कब? अंत में। और बाबा मुझे भी आता है बाप समान निराकारी निर्विकारी और निराहंकारी बनाना। निर्विकारी माना उसमें अहंकार भी आ जाते है ना? विकारी, वे माने विपरीत, कारी माने कर्म। अहंकार भी एक विकार है ना? अहम माने मैं, मैं, मैं क्या? मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं ये अहंकार नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करती है, करने वाला कौन है? शरीर करता है या आत्मा करती है? बिना आत्मा की नहीं करती है। लेकिन आत्मा को जब शरीर का अहंकार आ जाता है, मैं कौन, मैं ये नहीं, मैं, तो अहंकार आ गया। विकार बनता ही तब है जब विपरीत कर्म है। काहे के विपरीत? भगवान ने जो बताया
उसके विपरीत कर्म किया वो है विकार। भगवान ये नहीं बताता है दुख दो, भगवान क्या बताता है? सुख दो और सुख लो। लेकिन माया क्या कराती है? दुख दो और दुख लो। तो जो दुख देना है वो ही विकार है। स्वर्ण संगम एक बात, स्वर्ण संगम एक बात, बाप का पाठ क्या? बाबा का पाठ, बाप का पाठ नीचे उतरता जाएगा। कृष्ण वाली आत्मा महाराजा बन जाएगी, वो आत्मा नीचे उतरेगी, अगले जन्म में और नीचे उतरेगी। त्रेता के पहले जन्म में, सतयुग के लास्ट जन्म में जाकर के एकदम प्रजावर्ग में चली जाएगी। लेकिन प्रजावर्ग में भी बड़ा साहूकार बनेगी। क्या? इतना बड़ा साहूकार बनेगी कि जो नारायण है सतयुग का आखिरी, वो धन संपत्ति लेगा राजाई चलाने के लिए। किससे? राम वाली आत्मा से। और उस धन संपत्ति में उसकी सारी राजाई डूब जाएगी, उसका सारा टाइटल नारायण का खत्म, और किसका टाइटल शुरू? राम का टाइटल शुरू। राम राजा, नारायण खत्म। फिर त्रेता युग में ऊंचा, फिर 12 जन्म में नीचे गिरते गिरते नीचे गिरते गिरते नीचे गिर जाएगा। त्रेता के अंत में जाकर के एकदम नीचे गिरेगा। जो नहीं करना था वो ही कर दिया। क्या? राम वाली आत्मा को जो नहीं करना था, जिसके लिए बाबा ने सब बच्चों को मना किया, उसको पहले मना किया। बड़े बच्चे को ज्यादा सिखाम नहीं, पढ़ाई पढ़ाई जाती है, या छोटे बच्चे जो बाद पैदा होते हैं उनको ज्यादा शिक्षा दी जाती है बाप की। बड़े बच्चे को जास्ती शिक्षा दी गई, लेकिन वो ही सबसे पहले त्रेता में आकर के नीचे गिर जाता है, ईव के प्रभाव में आ गया, गंदा बन पड़ा। जगदम्बा का पाठ कब भावन बता दिया कि घूमट में भी दरभंगा भी बोल रहा, 13 बोल रहा, आधीन बोल रहा, 2012 बोल रहा ना। जगदम्बा का पार वो आने के टाइम में बाप और प्रजापिता का पार क्या हुआ? क्या हुआ यार? बच्चों को गद्दी में बैठाया जाता है, बाप अपने बाणप्रस्थ लेता है, और क्या होता है? बाप का पार क्या है? अरे जगदम्बा बच्ची है या नहीं है तो राजाई नहीं करेगी? करेगी। लक्ष्मी बच्ची है या नहीं है? है। राजाई करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। माताओं को सब कुछ सौंपना चाहिए या नहीं सौंपना चाहिए? है? माताओं को सब कुछ सौंपा जाता है, बाप वानप्रस्थी हो जाते हैं। क्यों? ज्यादा बोल बोल करने से फायदा हुआ अभी तक? मुरली काटो, बाप को चले गया तो मुरली नहीं। क्यों मुरली? क्यों नहीं मुरली चला था? क्या जगदम्बा? जगदम्बा मुरली नहीं चलाएगी, लक्ष्मी लक्ष्मी तो धन बांटेगी। लक्ष्मी धन नहीं बांटती है। ज्ञान एक ही बाप उसका बाबा, ज्ञान का बात एक ही बाप का साथ उसका। हाँ, तो ज्ञान परिपक्व स्टेज पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? अधूरा ही बना रहता है हमेशा। ज्ञान परिपक्व स्टेज पे पहुंचता है तो फिर बच्चे भी सुनाते हैं। मिट्टी के घड़े में ठहरता नहीं है ज्ञान, और सोने के पात्र में ठहरता है। तो लक्ष्मी मिट्टी का पात्र है या सोने का पात्र है? वो सोने का पात्र है। सोने का पात्र मिल गया, ज्ञान का कलश मिल गया, सोने का घड़ा मिल गया, उसमें सारा ज्ञान कलश डाल दिया, ज्ञान जल डाल दिया, तो उसे जिंदगी भर बोलता रहे वही अच्छा। उससे ऊपर का काम नहीं है कोई। मनसा सेवा बड़ा काम है या वाचा की सेवा बड़ा काम है? मनसा सेवा बड़ा काम है। तो बड़ा काम बाप उठा लेगा,
और जो बाचा की सेवा है वो लक्ष्मी को दे दी जाएगी, जगदम्बा को दे दी जाएगी। साल चलेगा, साल चलेगा मुरली माने जल्दी से बाबा भाग जाए, हमें नहीं अच्छी लगती। बहुत अच्छी लग रही है, अब वो खत्म हो जाएगा। बाप का पार्ट, मुरली का पार्ट, बाबा का पार्ट कभी खत्म होता है? बाबा तो कहा इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। श्रीमत देने का पार्ट, जब लेने वाले ही नहीं पूज रहे हैं तो ज्यादा दे करके क्या करेंगे? लेने वाले ले रहे हैं तो नए नए निकलते हैं, वो तो सतो प्रधान है, इसलिए उनको तो बहुत प्यार आता है सुनने में। जो पुराने होते जाते हैं, एक तरफ नाक रगड़ते जाते हैं विकारों में और दूसरी तरफ ज्ञान भी सुनते जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? बाप अंधा है क्या? फिर सुनाता ही जाएगा। कर तो रहे हैं लोग कोशिश, उधर बेसिक वाले भी, ये जानकी दादी और बड़ी बड़ी बहनें जा रही है पाकिस्तान में, वो जगह पे ढूंढने के लिए, एक्वायर करने के लिए एक्वायर, और एडवांस पार्टी वाले भी जा रहे हैं। अब देखो किसके हाथ लगता है। क्लास में कितने? 18 महारथी हैं। कितने हैं अभी नए पुराने सब मिला के? कहाँ गया रजिस्टर? लकी लोकराज किसका नाम है? और ये भी रोज क्लास कर रहा है, हैं? पेट में ज्ञान सुना, पेट में सुना। अच्छा, अभिमन्यु बन के पैदा हो गया। इक्कीस में से एक निकाल दो, 20 बचे, और 20 में से एक बूढ़ी माता निकाल दो। बूढ़ी माता तो जा नहीं रही है, है? क्या हंसवेणी? अच्छा, हंसवेणी, हंसवेणी माता की बट्टी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, माने 20 हैं बच्चे सहित, पट्टी और वो छोटी बच्ची सहित, उसका भी नाम जोड़ दिया है। इसका नाम क्या है? सारणी, तारणी, तारणी, तारण हार के साथ तारणी भी आ गई। तारणी का तो नाम नहीं आया है। है ये सारणी तो नहीं है, सारणी की तारणी कहाँ है इसका नाम? अभी 6 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और अभी है टाइम थोड़ा सा, बाबा माउंट आबू में है, ब्रह्मा बाबा मिलन के आएंगे ना? हैं? मिलन के लिए आएंगे ना? आते हैं। हाँ। बाप दादा बोलेंगे ना? बाप दादा हैं। तुम क्या बाबा? बाबा ने कहा तुम मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो हम बच्चों के बीच में ज्यादा याद किसकी है? ब्रह्मा बाबा याद में बैठता है कि नहीं? गुलजार दादी में आता है तो याद में रहता है या नहीं है? तो या उनके साथ है या नहीं है ना? तो इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप को याद करता है तो बाप भी साथ में है, बाकी ऐसे थोड़े कि प्रवेश करता है। मिलन के लिए कितना साल आएगा बाबा? ब्रह्मा है? अभी कितना साल आएगा? क्यों माउंट आबू मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत आ रही क्या? तुम्हें तो अच्छे अच्छे पॉइंट मिल ही रहे हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष कर दिया क्या? तो सूर्य प्रत्यक्ष किया नहीं और चंद्रमा भी गुप्त हो जाए तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे ज्ञान सूर्य को भी प्रत्यक्ष नहीं किया, ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ और चंद्रमा भी अस्त हो जाए तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इसी में सूर्य तो पाप ग्रहण करके बोलता है, है? सूर्य को हाँ? पाप ग्रहण करके बोलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सबके पाप ग्रहण कर लेता है ना। पाप साप दुनिया के कब नाश होते हैं? जब बाप आता है। तो बाप ज्ञान सूर्य है ना, और सारे पापों को सोख जाता है। पाप है विष, विषय विकारों को सोख जाता है। चलो ओम शांति।